नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजलि शर्मा। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली में 8 से 10 सितंबर तक सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। नई दिल्ली समेत कुछ अन्य जगहों पर रास्ते भी ट्रैफिक की आवाजाही के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही कमर्शियल गाड़ियों की एंट्री भी बंद होने वाली है। ऐसे में शराब के शौकीनों को भी चिंता सता रही है कि इस दौरान शराब की दुकानें भी खुलेंगी या नहीं, रेस्टोरेंट या बार में शराब मिलेगी कि नहीं। ऐसे लोगों को अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने स्पष्ट किया है कि G20 समिट के दौरान नई दिल्ली के प्रतिबंधित क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरी दिल्ली में कहीं पर भी शराब की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगी, यानी बाकी जगहों पर लोगों को शराब आम दिनों की तरह ही मिलेगी। एक्साइज विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नई दिल्ली जिले के सुरक्षा इंतजामों के चलते कमर्शियल गतिविधियों पर पाबंदी लगाई गई है। ऐसे में वहां सभी बाजार, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। ऐसे में इस पूरे प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थिति शराब की दुकानों पर भी ये पाबंदी लागू होगी और इस वजह से नई दिल्ली में शराब की दुकानें नहीं खुल पाएंगी। साथ ही एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने ये भी साफ कर दिया है कि गुरुवार 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर पहले ही ड्राई डे घोषित किया जा चुका है। ऐसे में शराब की दुकानें 7 सितंबर को बंद थी, लेकिन उसके बाद शुक्रवार से लेकर रविवार के बीच जब G20 समिट चल रही होगी, इस दौरान नई दिल्ली एरिया को छोड़कर बाकी जगहों पर शराब की बिक्री जारी रहेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रतिबंधित एरिया में शराब की एक दर्जन से अधिक दुकानें हैं जो 8 से 10 सितंबर तक बंद रहेंगी। इसके अलावा कनॉट प्लेस और खान मार्केट जैसी जगहों पर शराब सर्व करने वाले रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।